क्या हाई एवोल्यूशनरी अभी भी जिंदा है? मार्वल ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक न्यू डिलीटेड सीन रिवील किया है, जहां रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी को एक पिंजरे में बंद करता दिखाई दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो रॉकेट के साथ करता था। लेकिन मूवी में तो हाई एवोल्यूशनरी मर गया था, लेकिन यहां वो जिंदा बच गया। तो अब सवाल ये बनता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जेम्स गन तो ये कंफर्म कर चुके हैं कि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की लास्ट मूवी है और इसके बाद हम इससे रिलेटेड कोई भी मूवी नहीं देखेंगे। तो इस डिलीटेड सीन का यहां क्या मतलब बनता है? क्या हाई एवोल्यूशनरी अभी भी जिंदा है? और अगर है तो क्या फ्यूचर में हम गार्डियंस की एक और मूवी देखेंगे? वेल, जेम्स गन ने ये बात रिसेंटली कंफर्म की है कि हाई एवोल्यूशनरी अभी भी जिंदा है, लेकिन मूवी के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। और जैसा कि हम डिलीटेड सीन में देख सकते हैं कि रॉकेट ने उसे एक केज में बंद कर दिया है, शायद इसलिए क्योंकि रॉकेट उसे उसके बुरे कर्मों की सजा देना चाहता है। जैसा उसने उनके साथ किया था, वो भी उसके साथ वैसा ही सुलूक कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हाई एवोल्यूशनरी वापस आएगा? कॉमेंट करके जरूर बताइए।